जी, तो ये है गांव की खूबसूरती। एक मिनट यार, ये हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके। ये तकरीबन जाने के करीब है कोई कस्बा, और काफ़ी तरक्की की हुई है, दुकानें शुकानें ये वो सारा माहौल है। धूल मिट्टी तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन यही खूबसूरती है गाँव की। और ये स्पेशली जो है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि फैसलाबाद के चक्कों का माहौल कैसा है, जैसे बंदा ख्वाबों की दुनिया में। एक गई एक और, वाह भी वाह। हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, वो पीछे चाय बना रहे भाई और काफ़ी इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। सही बात है, टेंशन रिलीफ करने के लिए ये बेहतरीन जगह है। ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, कोई बर्फानी इलाका नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को मसरूफ़ देख के और लोगों के अंदर मेहमान नवाजी देख के, उनके मोहब्बत देख के जाना बड़ा सुकून मिलता है। ये पीछे चार पहियाँ रखी हुई हैं इन्होंने बैठने के लिए, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। तो चाय पीते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे इंशाल्लाह। ये नदीम टी स्टॉल से हम चाय पिए भाई। की नाम है इलाके का? रजाना में सारा। अच्छा अच्छा यही रजाना है भाई। ये आ गई जबरदस्त सी चाय, देखने से ये जबरदस्त लग रही है। बाकी है तो ये गांव, यहाँ पे दो नंबरी का कोई चांस नहीं है। तो बट एक सिंगल अंग्रेज एने कहता चाई वास्तव मच्छर मिट्टी ना पवे, तरक्की ना बर्दाश्त करने वाला बंदा।